सुना था विशाखापट्टनम की घटना। दो बच्चे रात को 12 बजे अपनी मां को लेकर के जीप में चले गए। बाहर बारिश बरसती थी भयंकर। रास्ते में रात को 12 बजे बारिश के अंदर मां को एक कचरे का ढेरा था वहां पे छोड़ दिया, वापस चले गए। यह विशाखापट्टनम की घटना बता रहा हूं आपको। रात को 1 बजे वहां से पुलिस की जीप निकली। 80 साल की बूढ़ी मां, ऊपर से बारिश, भयंकर दर्द हो रहा था, मां चीखती थी, पुलिस को आवाज सुनाई दी। ऐसी बारिश के बीच जीप खड़ी रखी। कौन? बराबर ध्यान से सुना, इस तरफ से आवाज आ रही है, गए मां। उठा के लेडी को बुला दी, लेडी पुलिस को उठा के जीप में रखवा। सुबह हुई, मरम्मत की, फिर पूछा यहां पर आपको कौन छोड़ गए। अब सुनना मां क्या होती है। मैं आज आपको मां के दो विशेषण, बाप के दो विशेषण बताना चाहता हूं। कभी करोड़ों रुपयों का आप दान करो ना, और आपकी माँ का और बाप का फोटो लगाना, और कभी आई एम बिल खाता में लगाता हो, कभी उपासने में लगाते हो, तब आपको कहते हैं ना कि आपके माँ के नाम से 11,000 रुपया लिखवा दो, आपकी माँ का फोटो आ सकता है। फिर आपको कहेंगे कि माँ का एक विशेषण लिखो। कौन सा लिखो? एक विशेषण आता है माँ का, बाप का परम उपकारी। नहीं, ये नहीं, बिल्कुल प्रॉपर दो विशेषण। यदि आपको पूछूं तो बताइए आपकी माँ और बाप के लिए, मैं आपको दे दूं। एक विशेषण है बचाओ मूर्ति। माँ बाप हमेशा अपने बेटे का बचाव ही करें। हमने कितनी भी गलती की होगी, माँ और बाप कभी हमारा बदला नहीं लेते। माँ जी को पूछा मैं, कौन छोड़ गए? किप मम, नाम बताओ तो हम आपको वहां छोड़ दे। किप मैम, जाना भी नहीं उस घर में, अब दोबारा जाना भी नहीं गए, और आपको नाम बताना भी नहीं गए। मैं बताओ पुलिस कंप्लेन होगी, मेरे बच्चे को जेल में जाना। ये मां बचाओ देखा है कभी? हमें पता नहीं, इस तरह वह समस्या का सुलझन कर देता, समाधान, यह समाधान मूर्ति होती है। हम संघर्ष पैदा कर देते, वह समाधान लाके देती। पता है छोटा बेटा बारिश के अंदर भीग के घर पे आया, जैसा ही उसके बड़े भैया ने देखा, क्या गयो तो वरसाद मां बिंजाई ने आवे हो, अबे टाइफाइड वाइफाइड थी जैसे, तो तने कौन संभाल। चुप हो, बड़ी बहन थी वो भी आ गई। अरे पर गयो तो भले गयो, पर छतरी तो लेने जाऊं जो छापरा नहीं नीचे तो उभा रहे जो पलड़ तो आवे। संडे का दिन था, बाप भी घर में ही था, बहुत दिनों से खुजली आती थी बेटे को मारने की, लेकिन मौका नहीं मिलता था। आज मौका मिल गया, बेडरूम से सीधा बाहर आ गया। बोला ये बताओ तने कोने की दुआ वरसाद में बाहर निकलवा। बोला तो हारा था कि तू छपरो के छतरी नहीं बाहर क्यों निकला। और बच्चा रोने लगा, एक साथ तीन टूट पड़े, बच्चा रोने लगा। बच्चे की आवाज किचन में गई माँ के पास। माँ ने सुन लिया कि मेरा बेटा रोता है, क्यों रोता है पता नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा। रसोई छोड़ करके माँ बाहर आई तो देखा पूरा भीग गया था। माँ ने कुछ नहीं कहा, सीधी बाथरूम में गई और बच्चे का जो टॉवेल था वो लेके आई और अपने गले से छाती से बच्चे को लगा दिया और पहुंचने लगी। अरे पच्ची बारी माथी बार जो इन्हें बोलवा लगी, मेर मुआ वरसाद ने पण हमणा जवान सु आवानु सूझ्यो, मारो दीकरो बाहर निकलो त्यारे। ये माँ सभी ने बेटे को आड़े हाथ, माने किसको लिया? बारिश को। मेरे बच्चे की कभी भूल नहीं। बचाओ मूर्ति।